अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, 2022 में एमटीकेट के सक्सेसफुल का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला लेकर आपके खिदमत में हाजिर है। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शाहिद नदीम टीवी पर खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते चले कि 2022 का एमटीकेट जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है वेरी सून। आपको हमने डेट्स जो है इन्फॉर्म कर दिया, प्रॉपर क्राइटेरिया इन्फॉर्म कर दिया गया है। उसमें आपने कामयाबी को किस तरह से 100% जो है वो यकीनी बनाना है, किस तरह से आपने उसमें कामयाब होना है। सिर्फ कामयाब होना ही नहीं एमटीकेट में, बल्कि आपने एमबीबीएस में या बीडीएस पे एडमिशन अपनी डिज़ायर्ड ग्रुप में एडमिशन जो है वो किस तरह से लेना है, आज हम आपको सब जो है वो ए टू जी बता रहे हैं। तो व्यूवर, सबसे पहले आपको बताते चले कि जिस तरह के आप सब लोग जानते हैं कि 2021 का जो एमटीकेट कंडक्ट हुआ उसके रिजल्ट आ गए, एडमिशन हो गए, सब जो है वो फाइनल हो गया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना कि आप लोग जिस डिज़ायर्ड कॉलेज मेडिकल या डिज़ायर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसका 2021 का लास्ट क्राइटेरिया चेक करें, एमबीबीएस का, बीडीएस का, बिल्कुल लास्ट फाइनल वाला क्राइटेरिया, फाइनल वाले स्टूडेंट को है जो आपने चेक करना है। आपने ये नहीं फर्स्ट वाले को चेक करना है। अगर आप पंजाब में रह रहे हैं, आप पंजाब के किसी भी डिज़ायर्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी का चेक करें। अगर आप केपीके में रह रहे हैं तो केपीके का, अगर आप सिंध में रह रहे हैं तो सिंध का, और इसी तरह अगर आप बलोचिस्तान में रह रहे हैं तो आप बलोचिस्तान के डिज़ायर्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया जो है चेक करेंगे। लेकिन अगर आप सिंध में रह रहे हो और आप पंजाब के किसी में लेना चाहते हैं तो यू आर वेरी वेरी वेलकम, आप ले सकते हैं। और आप जो है उसके लिए पंजाब का क्राइटेरिया चेक करेंगे, ना कि सिंध का चेक करेंगे। लेकिन जो है वो कुछ कोटा समाव होता है, वो जो है वो मैनेज जो है वो हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं होता। तो आइए सबसे पहले आपको बताते चलते हैं कि जिस तरह के आप सब लोग जानते हैं कि मैट्रिक के 10% मार्क्स जो है वो काउंट होते हैं, इसी तरह जो है आपके इंटर के, एफएससी के, मेडिकल के, एफएससी मेडिकल या एफएससी इंजीनियरिंग जो भी किया आपने, उसके आपके 40% मार्क्स काउंट होते हैं, और रिमेनिंग 50% जो आपके मार्क्स हैं वो आपके एमडीकेट के रिजल्ट के काउंट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है एमडीकेट का रिजल्ट, आपका एमडीकेट, एमकेट का रिजल्ट जो है वो क्या आता है, 50% मार्क्स उसके शामिल किए जाएंगे। उसके बाद सेकेंड पे आता है आपके इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट एफएससी मेडिकल या इंजीनियरिंग के रिजल्ट, जिसमें से 40% एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, 40% वहाँ से लिए जाएंगे। और लीस्ट पे आता है 10% जो कि है मैट्रिक का। लेकिन आप मैट्रिक को लाइट ना लें कि अगर आपके मैट्रिक में मार्क्स कम होंगे तो आप जो है वो कर लेंगे, क्योंकि इसके सिर्फ 10% है, नहीं। लेकिन अगर आपके मैट्रिक में भी 900 मार्क्स होंगे, 950 होंगे, 1000 होंगे, तो उसका 10% उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर आपके यही आपके 500, 600, 700, 800 होंगे तो उसका 10% उतना ही कम हो जाएगा। जितने आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे मैट्रिक में, इंटर में, उतना ही आपका जो 10% 40% है वो इंक्रीज होता जाएगा, जो कि आपको फाइनल एग्रीगेट में जो है वो हेल्पफुल होगा, और आपने किस तरह से उसको तैयार करना है। आपको हमने फॉर्मूला बता दिया है कि किस किस तरह से आपने किस किस की तैयारी किस तरह से करनी है। मजीद ये कि पीटीबी की जानिब से दिए गए सिलेबस और पीएमसी की जानिब से दिए गए सिलेबस को कंसेप्चुअल तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। ये थी हमारी तरफ से आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई। शुक्रिया।